भूषण ज्वेलर्स। नाहन शहर के एक रेस्टोरेंट में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। अग्निशमन विभाग ने आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया, मगर रेस्टोरेंट का फर्नीचर और सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन शहर के चौगान मैदान के समीप महक रेस्टोरेंट के मालिक कुणाल को सुबह 7 बजे आग लगने की सूचना मिली। कुणाल ने बताया कि सूचना मिलते ही वे तुरंत रेस्टोरेंट पहुंचे। जैसे ही शटर खोला तो पाया कि भीतर रेस्टोरेंट में आग लग रही थी। हालांकि आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि रेस्टोरेंट में लगे इन्वर्टर के कारण आग लगी हो या इन्वर्टर में ज्यादा हीट होने की वजह से ब्लास्ट हो गया हो। बता दें कि महक रेस्टोरेंट के ऊपरी मंजिल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा भी है, साथ ही आसपास दुकानें भी हैं। ऐसे में आग के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। गनीमत इस बात की भी है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, साथ ही रेस्टोरेंट के सिलेंडरों में भी आग नहीं लगी। इसके अलावा दमकल विभाग के कर्मी रेस्टोरेंट का काफी फर्नीचर बचाने में भी सफल हुए। रेस्टोरेंट के मालिक कुणाल के अनुसार फिलहाल नुकसान को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें रेस्टोरेंट से धुआं निकलने की सूचना मिली थी। उधर अग्निशमन विभाग के मौके पर पहुंचे प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि एक बड़ा हादसा बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि नुकसान की डिटेल रेस्टोरेंट के मालिक से ली जा रही है। प्रथम अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान आगजनी की घटना से आंका जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।